हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर कंप्यूटर में आपका कर्सर मूव नहीं कर रहा, यानी कि टच पैड काम नहीं कर रहा, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। आज का ये वीडियो है सवाल के जवाब में। कंप्यूटर पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब सवाल ये होता है, ये उठता है कि अगर कर्सर मूव नहीं कर रहा है तो आप सेटिंग का ऑप्शन कैसे खोलेंगे, यानी कि टच पैड सेटिंग का ऑप्शन जो होता है वो कैसे ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कीबोर्ड में आपके टैब बटन का इस्तेमाल होता है, टैब बटन होता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो वन बाय वन सारे ऑप्शंस पे जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब मैं टैब बटन देखिए प्रेस कर रहा हूं, तो ये देखिए यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एज के पास शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं जब दोबारा टैब बटन प्रेस कर रहा हूं तो ये देखिए आगे चला गया। इसी तरीके से आप टैब बटन प्रेस करते जाइए, और करते करते हमको जाना है टाइप टू सर्च हियर पे। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शन है टाइप टू सर्च हियर, इस पर जाना है। ठीक है, तो चलिए टैब बटन प्रेस करते हैं। देखिए स्टार्ट पे आ गया। अब फिर हमने जब टैब बटन प्रेस किया तो देखिए टाइप टू सर्च हियर टू सर्च पे आ गया। अब जैसे ही आप कीबोर्ड में स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करने लगा। ठीक है, कर्सर ब्लिंक करने लगा। अब हमको यहाँ लिखना है टच पैड सेटिंग। ठीक है, तो ये देखिए टच पैड सेटिंग हमने यहाँ टाइप कर दिया। आप ऊपर देखिए टच पैड सेटिंग का ऑप्शन आ गया। अगर ये हाईलाइट ना हो तो यहाँ पर भी आप टैब बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये हाईलाइट रहेगा, यानी कि देख रहे हैं आप ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें इंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए टच पैड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम टैब बटन से ये जो टच पैड यहाँ पे ऑन लिखा है, अगर आपका ये कर्सर मूव नहीं कर रहा है तो यहाँ पर ऑफ लिखा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, टैब बटन का ही इस्तेमाल करते हुए वहां तक जाएंगे। तो चलिए फिर टैब बटन प्रेस करते हैं। तो देखिए टैब बटन में प्रेस किया तो ये लीव टच पैड ऑन व्हेन अ माउस इज कनेक्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से टैब बटन प्रेस करते जाइए, और अभी ये एकदम ऊपर पहुंच जाएगा। देखिए अभी राइट साइड में चल रहा है, होम पे आ गया। अब ये फाइंड द सेटिंग पे आ गया। अब ये देखिए आ गया टच पैड वाले पे, आ गया नीचे ऑन पर, आपको ये सर मतलब स्क्वायर में दिख रहा है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर हमारा टैब बटन प्रेस करते करते यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, स्पेस बटन से इसको ऑन या ऑफ हम कर सकते हैं। स्पेस बटन दबाएंगे तो देखिए कीबोर्ड में जब आप स्पेस बटन दबाएंगे तो देखिए ये ऑफ हो गया, और फिर से स्पेस बटन दबाएंगे तो ये देखिए ऑन हो गया। ठीक है, तो स्पेस बटन से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिए, और आपका ये जो कर्सर है ये मूव करने लग जाएगा। ठीक है।